हेलो बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन तक पढ़ लिया था। तो आगे हम लोग इंडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो हेडिंग डाल लेना है इंडाइजेशन, और इसके बारे में पढ़ते हैं। और इस चैनल का नाम माइनर स्टडी है बच्चों। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों। तो इंडाइजेशन के बारे में पढ़ना है बच्चों, जो कि सिक्स कॉन्स्टिपेशन जो डिसऑर्डर था बच्चों, उसके बारे में पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन। और सेवन है इंडाइजेशन। तो हम लोग इंडाइजेशन हेडिंग डालेंगे बच्चों, और इसके बारे में लिखेंगे इंडाइजेशन, और इसके आगे लिखेंगे बच्चों, इसमें कवर हटा दे रहा हूँ बच्चों, और इसमें हम लोग आगे लिखते हैं बच्चों ओवर इंडाइजेशन में होता है बच्चों ओवर ईटिंग, यानी ज़्यादा खा लेने से ओवर ईटिंग। स्पाइसी, जो स्पाइसी फूड खाते हैं बच्चों, मसालेदार, और लैक ऑफ रेस्ट, यानी हम लोग समय से रेस्ट नहीं कर पाते हैं, सो पाते हैं, जो कि भोजन के लिए 4 से 5 घंटा बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि 4 से 5 घंटा स्टोमक में जो डाइजेशन के लिए समय लगता है बच्चों। तो लैक ऑफ रेस्ट के कारण एंड डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन लेड टू इंडाइजेशन। और ये हो गया बच्चों। अब हम लोग माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, ये हम लोग 6th क्लास में बच्चों पढ़े होंगे माल न्यूट्रिशन और क्वारेसी के बारे में। तो माल न्यूट्रिशन हेडिंग, तो इसके मीनिंग बता दें बच्चों। ये माल, इसका मीनिंग होता है माल, यानी होता है बच्चों बेड, और न्यूट्रिशन यानी फूड। और तो इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ। अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि न्यूट्रिशन अच्छे से जो बॉडी के लिए होता है ग्रोथ कर, जो अच्छे से ग्रोथ हो, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बच्चों। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन एडिक्वेट अमाउंट, जो कि साउथ अफ्रीका में कमी होता है बच्चों। तो ऑल माल न्यूट्रिशन को दो में डिवाइड करेंगे बच्चों। इसको दो में पीईएम और पेम में डिवाइड करेंगे बच्चों। तो बच्चों माल न्यूट्रिशन के हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, पीईएम और पेम। इसका हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों, प्रोटीन इनर्जी माल न्यूट्रिशन। और पीएम को होता है बच्चों प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, और इसके बारे में हम लोग इसको मैरास्मस बोलते हैं बच्चों, मैरास्मस। ये
मैरास मैरास मश, और इसको बोलते हैं बच्चों कोवाशी क्वाशियो क्वाशियो कोर क्वाशियो कोर। और इसके बारे में आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों मराशमस और क्वाशिकोर के बारे में आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों। क्वाशिकोर मा मैरास्मस मैरास्मस। मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ बच्चों, जो हम लोग माल न्यूट्रिशन माल जो पीछे हम लिख दिया था, यहाँ पे भी माल न्यूट्रिशन के दो पार्ट में डिवाइड किया था बच्चों, यहाँ पे पीईएम और पीएम, तो इसमें आ गया पीछे हमने लिख दिया था बच्चों फुल फॉर्म, तो आप लोग देख लीजिएगा बच्चों यहाँ पे पीएम ये हो गया, और इसमें आ जाएगा बच्चों मैरास्मस, और इसमें क्वाशियो कोर ये आ गया बच्चों, और इसमें हम लोग लिखेंगे तो इसमें एफेक्ट एफेक्ट चिल्ड्रेन एफेक्ट चिल्ड्रेन अप टू वन ईयर, जो कि वन ईयर तक के बच्चा होता है उसको ज़्यादा ये मैरास्मस होता है बच्चों वन ईयर ऑफ एज, और इसमें हम लोग लिख लेंगे अफेक्ट्स चिल्ड्रेन फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, और इसके आगे लिख लेंगे बच्चों मदर्स मिल्क सब्स्टी मदर मिल्क्स सब्स्टिट्यूएटेड सब्स्टिट्यूएटेड बाय लो कैलोरी या लो लो प्रोटीन फूड, और इसमें हम लोग लिख लेंगे बच्चों मदर्स मदर्स मिल्क रिप्लेस्ड बाय लो लो प्रोटीन या हाई कैलोरी फूड। इसमें बच्चों मदर मिल्क सबसे बाय लो कैलोरी जो मदर मिल्क में या लो प्रोटीन, और इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है लो प्रोटीन या हाई कैलोरी फूड से, तो ज़्यादा भी और कम भी, इसलिए हम लोग को जो जितना ज़रूरत होता उतनी ही चाहिए। तो और आगे लिख लेंगे बच्चों इसमें स्टंटेड ग्रोथ यानी छोटा स्टंटेड जी आर ओ स्टंटेड ग्रोथ और लैक ऑफ फैट लैक ऑफ फैट ऑन बॉडी स्टंटेड मेंटल मेंटल डेवलपमेंट भी रुक जाता है बच्चों स्टंटेड मेंटल मेंटल डेवलपमेंट स्टंटेड मेंटल डेवलपमेंट और प्रोमिनेंट रिप्स, और इसमें लिख लेंगे एस टन स्टंटेड फिजिकल एंड मेंटल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ परजेंस ऑफ बॉडी फैट। इसमें स्टंटेड फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों होता है बच्चों, और प्रेजेंस ऑफ फैट प्रेजेंस ऑफ बॉडी फैट
हो जाता है और स्टंटेड ग्लाइकोपन बॉडी और स्टंटेड मेंटल डेवलपमेंट प्रोमिनेंट रिप्स पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चों इसमें मैरास्मस में। और तो आगे हम लोग विटामिन्स के बारे में लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ तक हो गया। तो विटामिन्स के बारे में हम लोग लिख लेते हैं बच्चों विटामिन्स, और थोड़ा यहाँ पे क्लीन अच्छे से कर लेते हैं बच्चों कि आप लोग को परेशानी नहीं हो दिखने में, इसलिए। तो और बच्चों क्या हाल है, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं या लड़की के चक्कर में इधर उधर बवा रहे हैं बच्चों, घूम रहे हैं, जो कि 11th 12th में ज़्यादातर ये एज ग्रुप ऐसा ही होता है बच्चों, तो इधर उधर दिमाग जाता है। तो आप लोग इधर उधर नहीं जाइए, बाद में इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ऐसी ऐसी आगे आपको बहुत मिलेगी। तो आगे चलते हैं, विटामिन्स के बारे में लिखते हैं। विटामिन्स विटामिन्स और विटामिन्स में हम लोग लिखेंगे बच्चों दे प्रोटेक्ट्स अस, जो विटामिन होता है हम लोग का प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टर्स फ्रॉम नंबर यानी बहुत सारा डिजीजेस से बीमारियां से बच्चों। और दे शुड बी प्रेजेंट इन आवर, और हम लोग को जो खान पीन करते हैं उसमें विटामिन्स की आवश्यकता यानी बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए बच्चों, मस्ट है। तो हम आप लोग जो विटामिन्स फल फूल होते हैं वो लोग वो सब खाते रहिए बच्चों। दे आर नॉट, जो विटामिन्स होते हैं बच्चों दे आर नॉट डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता है, दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड, ये डाइजेस्टेड विटामिन्स नहीं होते, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है बच्चों। और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइडेड टू पार्ट्स, यहाँ पे विटामिन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए बच्चों, यहाँ विटामिन जो कि दो पार्ट में, जो कि फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल है बच्चों। और इसमें हम लोग लिखेंगे तो इसमें फैट सोलुबल कौन कौन होता है विटामिन, तो इसमें विटामिन्स ए आ जाएगा फैट सोलुबल में बच्चों, ए डी और ई, विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के भी आ जाएगा बच्चों। और इसमें वाटर सोलुबल में आ जाएगा विटामिन्स बी एंड विटामिन्स सी आ जाएगा बच्चों। और फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे ये हो गया फैट सोलुबल, विटामिन ए डी ई एंड के आ जाएगा बच्चों फैट सोलुबल में, वाटर सोलुबल में विटामिन बी एंड सी, और एब्जॉर्प्शन में हम लोग लिखेंगे दोनों में बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन में फैट सोलुबल में लिखेंगे, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ बच्चों, ये ग्रीन से लिख लेते हैं, ग्रीन और ये यूज करेंगे। तो फैट सोलुबल में हम लोग इसमें फैट सोलुबल में एब्जॉर्प्शन फर्स्ट आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन में इसमें लिखेंगे FIR फर्स्ट FI, ये आर है बच्चों, हम लोग इसको आर लिखते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चों। फर्स्ट ये फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट किस में होता है, ये फैट सोलुबल लिम्फ में होता है बच्चों, और देन उसके बाद इसमें ब्लड में, देन दे ब्लड लिख लेते हैं,
और इसमें हो जाएगा बच्चों एब्जॉर्प्शन में वाटर सोल्युबल में, इसमें हो जाएगा डायरेक्टली ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली इनटू ब्लड बच्चों। और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा बच्चों फैट सोल्युबल में मेनी रिक्वायर प्रोटीन कैरियर्स, इसमें मेनी रिक्वायर प्रोटीन, जो फैट सोल्यूबल में बहुत सारा प्रोटीन कैरियर चाहिए बच्चों ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसमें वाटर सोल्यूबल में ट्रेवल यानी फ्रीली होता है, इसमें कोई भी कैरियर नहीं चाहिए बच्चों ट्रेवल फ्रीली, ये हो गया। अब इसी में आगे लिखेंगे थर्ड पॉइंट में बच्चों, हाय हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे ये हो गया थर्ड पॉइंट में लिख लेंगे स्टोरेज के बारे में लिख लेते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट में। और यहाँ पे फैट सोल्युबल है जो हमने पीछे लिखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ वाटर सोल्युबल। और इसमें हम लोग लिखेंगे स्टोरेज में बच्चों स्टोर्ड इन द सेल्स एसोसिएटेड विथ फैट, जो स्टोर होता है जिस सेल में जो फैट से एसोसिएटेड होता है फैट सोल्युबल में बच्चों। और इसमें वाटर सोल्युबल में हम लोग लिखेंगे वाटर सोल्युबल में बच्चों सर्कुलेट फ्रीली इन वाटर बच्चों फील्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आगे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में बच्चों एक्सक्रिएशन के बारे में बच्चों EXCRETION एक्सक्रिएशन के बारे में, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे थोड़ा अच्छे से लिख ले रहे हैं ब्लर हो गया बच्चों इसलिए लेस रियडली एक्सक्रिएटेड टेंड टू रिमेन इन फैट स्टोरेज साइट्स बच्चों, इसमें हो गया एक्सक्रिएशन में। और इसमें लिख लेंगे वाटर सोल्युबल में किडनीज डिटेक्ट एंड रिमूव एक्सेस इन यूरिन बच्चों, डिटेक्ट यहाँ पे किडनी डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है जो ज़्यादा यूरिन होता है उसको बच्चों, यहाँ लेस रेडली कम एक्सक्रिएटेड होता है फैट सोल्युबल और रिमेन इन फैट स्टोरेज साइट, और फैट स्टोरेज साइट में ही स्टोर रहता है बच्चों। और आगे हम लोग आगे का पॉइंट फिफ्थ लिखेंगे इसमें बच्चों, फिफ्थ में हम लोग टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉक्सिसिटी के बारे में लिखेंगे बच्चों likely to reach टॉक्सिक बच्चों, और likely to reach टॉक्सिक levels when consumed from supplements। और इसमें आगे लिख लेंगे बच्चों वाटर सोल्युबल में possible to reach टॉक्सिक लेवल्स वेन
कंज्यूम्ड व्हेन कंज्यूम्ड व्हेन व्हेन लिख लेते हैं बच्चों व्हेन व्हेन कंज्यूम्ड व्हेन कंज्यूम्ड फ्रॉम सप्लीमेंट्स। और आगे बच्चों सिक्स्थ में लिख लेंगे रिक्वायरमेंट के बारे में लिख लेते हैं बच्चों रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में फैट सोल्युबल में लिखेंगे बच्चों नीडेड इन, नीडेड इन इसमें क्या जरूरत होता है बच्चों नीडेड नीडेड इन नीडेड इन बच्चों इसमें। तो बच्चों रिक्वायरमेंट्स में हम लोग लिख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स में नीडेड इन पीरियोडिक पीरियोडिक डच पर परहैप्स वीक्स और इवन मंथ्स बच्चों। और आगे पॉइंट लिख लेंगे बच्चों इसमें वाटर सोल्युबल में नीडेड ये लास्ट पॉइंट है बच्चों नीडेड इन फ्रीक्वेंट डच पर परहैप्स वन टू थ्री डेज हो जाएगा बच्चों वन टू थ्री डेज। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा जो फंक्शन होता है बच्चों अलग अलग विटामिन्स आर फ्लोइंग टाइप्स यानी अलग अलग विटामिन्स जो होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे बच्चों। तो अगले पॉइंट डालना है बच्चों विटामिन्स आर फ्लोइंग टाइप्स और इसका हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख लिया फैट सोल्युबल वाटर सोल्युबल के बारे में और आगे हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। तो आपको विटामिन्स हेडिंग डालना है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम लोग तो विटामिन्स के बारे में लिखेंगे बच्चों। अब थोड़ा अच्छे से मिटा लेते हैं बच्चों कि आप लोग को क्लियर कट में दिखे आपको परेशानी कोई प्रकार की नहीं होनी चाहिए बच्चों। और आगे हम लोग विटामिन्स के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो आपको थोड़ा बोल्ड लेटर में विटामिन्स यहाँ पे लिख लेना है और नए पेज से स्टार्ट करना है बच्चों क्योंकि हम लोग बड़ा होगा तो आपको अटेगा नहीं यानी एक पेज में आपको नहीं हो पाएगा इसलिए आपको जो डबल पेज होता है बच्चों जैसे कॉपी हो गया तो ये जैसे मैं ये बता दे रहा हूँ ये नोटबुक हो गया बच्चों ये तो इस तरह से लिखना है जो दोनों साइड तो यहाँ पे भी और जो अटे कि पूरे में आपको लिखना है बच्चों। मैं अभी लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो आगे हम लोग जल्दी से लिखते हैं। तो यहाँ पे विटामिन्स आपको थोड़ा बोल्ड लेटर में बी आई टी ए एम आई एन एस विटामिन्स हेडिंग डाल लेना है और इसमें हम लोग पहले जो इम्पोर्टेंट सब है बच्चों मैं उसके बारे में लिखाऊंगा। तो पहले हम लोग इसको हम ऊपर वाले को मिटाएंगे नहीं और इसी में जो हेडिंग डालेंगे बच्चों आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। तो फर्स्ट फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के हम लोगों ने पीछे लिख लिया था और वाटर सोल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स एंड सी विटामिन बी एंड सी लिख लिया था बच्चों। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे लिख ले रहे हैं यहाँ पे विटामिन का नाम लिखेंगे बच्चों यहाँ में विटामिन ये हो जाएगा और इसको थोड़ा ऊपर लिख ले रहे हैं बी आई विटामिन और यहाँ पे विटामिन यहाँ पे कॉमन नेम लिखेंगे और यहाँ पे सोर्स लिख लेंगे बच्चों और यहाँ पे डिफिशेंसी के बारे में डी आई एफ आई
डिफिशियंसी डी डी ई एफ आई सी आई ई एन सी डिफिशियंसी डिफिशियंसी डिजीजेज या डिजीजेज का नाम लिख लेंगे और उसका क्या क्या सिम्टम्स होता है बच्चों एच वाई एम सिम्टम्स सिम्टम्स के बारे में लिखेंगे और जो फंक्शन होता है उसके बारे में लिखेंगे बच्चों। तो इसको मैं थोड़ा इधर इधर कर दूंगा फंक्शन यहाँ पे फंक्शन के बारे में लास्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग विटामिन के बारे में लिखेंगे दूसरे कलर से ले लेंगे क्योंकि यहाँ छोटा होता है इसलिए इसको छोटा कर दिया बच्चों। यहाँ पे कॉमन नेम और यहाँ पे सोर्स के बारे में ये हो जाएगा और ये डिजीजेस के बारे में और ये सिम्टम्स और ये फंक्शन। तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा इधर इधर आपको लिख लेना बच्चों। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट सब होगा उसके बारे में। तो पहले हम लोग विटामिन बी के बारे में लिख लेते हैं। विटामिन बी वन के बारे में लिखेंगे तो इसको कॉमन नेम इसका होता है बच्चों थियामिन और इसका सोर्स हो जाएगा बच्चों सोर्स जो कि कहाँ कहाँ मिलता है थियामिन का। और तो ये हो जाएगा बच्चों इसको इसमें लिख लेंगे जो वीट में मिलता है ग्राम में मिलता है पीनट्स में मिलता है बच्चों और ईस्ट में मिलता है बच्चों बीन्स में। इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है बच्चों। और ये डिफिशियंसी बेरी बेरी ये बहुत पूछा भी गया है बच्चों बेरी बेरी के बारे में या कार्डियो कार्डियो वैस्कुलर कार्डियो वैस्कुलर के बारे में लिख लेंगे बच्चों या कार्डियोवैस्कुलर एरियोफी ये हो जाएगा। और इसमें सिम्टम्स में हो जाएगा बच्चों लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख नहीं लगता बच्चों एपिटाइट यानी भूख भूख मर जाना लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं लगना फैटी गिव मसल हो जाएगा बच्चों मसल सिम्टम्स इसका क्या कहता है मसल एट्रोफी पैरालिसिस पैरालिसिस कार्डियो मिगेली ये आपको लिखना तो लिख ही देता हूँ बच्चों कार्डियो मिगेली और सिम्टम्स हो गया। फंक्शन लिखेंगे बच्चों इसका क्या क्या फंक्शन होता है तो फंक्शन में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे फंक्शन में फॉर्म फॉर्म को फंक्शन में फॉर्म को एंजाइम फॉर्म को एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प इन पेंटोज मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म। और आगे हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहाँ भी विटामिन बी वन के बारे में देखा बच्चों और यहाँ पे हम लोग विटामिन बी टू के बारे में बात करेंगे। और इसमें ये हो गया और विटामिन बी वन के बारे में हम लोग देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग विटामिन बी टू के बारे में लिखेंगे बच्चों। तो इसमें विटामिन बी टू के बारे में हम लोग विटामिन बी कॉमन इसका नेम होता है बच्चों विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन और विटामिन जी और
विटामिन राइबोफ्लेविन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों विटामिन जी, और येलो एंजाइम भी बोलते हैं बच्चों इसको, इन विटामिन बी टू को येलो एंजाइम, और इसका सोर्स हो जाएगा बच्चों ईस्ट लीवर मिल्क, लीवर मिल्क लिखेंगे, चीज लिख लेंगे बच्चों, चीज हो जाएगा लीफी वेजिटेबल बच्चों, वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स, एंड लास्ट इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो इसका सोर्स हो जाएगा बच्चों, बैक्टीरिया और डिफिशेंसी में हम लोग लिख लेंगे इसमें जो कि चिलियोसिस, ये आपका जो है इसमें स्टार लगा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये कॉमन नेम ये याद रखना है, वीट ग्राम और लॉस ऑफ एपिटाइट मसल और फॉर्म ये हो जाएगा, ये अच्छे से थोड़ा चिलियोसिस हो जाएगा बच्चों, और ग्लोसोथ हो जाता है बच्चों, ये होगा ग्लोसोटिस, और केराटिस ये हो जाएगा बच्चों, और सिम्टम्स में हम लोग इसमें लिख लेंगे बच्चों आई इन्फ्लामेशन, जो आई थोड़ा बड़ा हो जाता है, इन्फ्लामेशन एंड लिप सोर्स, और फंक्शन में लिख लेंगे बच्चों, इसमें फंक्शन में हम लोग लिखेंगे बच्चों जो कि विटामिन बी टू का है, पार्ट ऑफ को एंजाइम FMN एंड FAD इन ETC, ये सब का हम लोग 12th में ये सब का फुल फॉर्म पढ़ेंगे बच्चों, और इसके बारे में जो और भी डिटेल है उसको, और आगे हम लोग विटामिन आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों, पहले यहाँ इतना आप लोग लिख लीजिए, तो इसको हम लोग थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं बच्चों कि आप लोग को अच्छे से एकदम, तो यहाँ पे विटामिन लिख लेते हैं, और ये हो गया ये कॉमन नेम CO, कॉमन नेम हो जाएगा, और सोर्स SOURCE सोर्स हो गया, डिफिशेंसी DEFICIENCY डिफिशेंसी, वही है बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, केवल मैं हाईलाइट यानी अच्छे से दिखने के लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ अच्छे से सिम्टम्स, और यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे आ गए, ये हो गया बच्चों फंक्शन, और आगे हम लोग विटामिन सी के बारे में लिखेंगे बच्चों, विटामिन सी, तो विटामिन सी को हम लोग कॉमन नेम में एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं बच्चों, और सोर्स इसका हो जाएगा अमिया या खिट्रस जो फ्रूट होता है, खिट्रस फ्रूट्स और खिट्रस फ्रूट्स, आमला बच्चों सोर्स आमला है, आमला खिट्रस फ्रूट्स, और आगे लिखेंगे टमाटोज और विटामिन
सी हम लिख लें, इसमें डिफिशेंसी में हम लोग लिखेंगे बच्चों विटामिन सी के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें एस्कर्वे और अनेमिया बोलते हैं, और ज्वाइंट पेन जो घुटने उठने होता है जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है बच्चों, और इसका सिम्टम्स हो जाएगा ब्लीडिंग गम्स, जो कि दांत होता है उसका जो गम्स होता है उनमें ब्लीडिंग होने लगता है बच्चों, ब्लीडिंग गम्स, और आगे लूज टीथ का जो ढीलापन यानी हो जाना लूज टीथ, और ये हो गया हम लोग डिफिशेंसी में लिख रहे हैं, डिफिशेंसी में अनामिया यहाँ पे लिख लिया, वो सॉरी बच्चों डिफिशेंसी में इसका भी अनामिया, यहाँ सिम्टम्स में ब्लीडिंग गम्स लूज टीथ और अनेमिया एंड पी अनामिया एंड एनी एम आई अनामिया एंड पेनफुल बहुत होता है ये बच्चों इसका सिम्टम्स में जब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो सोलन ज्वाइंट्स जो ज्वाइंट्स में वहाँ पे फूल जाना और फंक्शन इसका हो जाएगा, फंक्शन में लिखेंगे बच्चों, और इसका फंक्शन में हम लोग लिखते हैं, तो इसका फंक्शन में लिखेंगे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जो कि प्ले इन कोलाजिन, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कोलाजिन फॉर्मेशन में बच्चों, और फंक्शन आगे लिख लेंगे अगला पॉइंट इसमें फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और एंटी ऑक्सीडेंट और एरिथ्रोपोएसिस, ये तो बहुत हार्ड लग रहा होगा बच्चों, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको आपको डायरेक्ट लर्न करना है, आपको रोज़ सुबह सुबह इसको कम से कम 5 बार देखना है बच्चों, तो अवश्य ही याद हो जाएगा बच्चों, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसमें केवल आपको लर्न करना है, सुबह सुबह रोज़ अगर 5 बार पढ़े रूटीन आप लोग बनाए बच्चों, जो कि ज़्यादातर फॉलो नहीं हो पाता है, कम से कम उसमें ऐसा रूटीन बनाए कि एकदम ढीलापन कम से कम जो फॉलो हो पाए बच्चों, कम से कम हफ्ता में 5 दिन फॉलो हो पाए। तो आगे हम लोग विटामिन डी के बारे में लिखेंगे बच्चों, वो भी मिट गया तो लिख ले रहा हूँ बच्चों, विटामिन डी के बारे में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कपड़ा था बच्चों कहाँ चला गया, तो बच्चों हम लोग विटामिन बी के बारे में अब लिखेंगे, विटामिन डी के बारे में लिखते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट्स था ये मिट गया गलती से, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे विटामिन हम लोगों ने लिखा था, और यहाँ पे कॉमन नेम और यहाँ पे शॉर्ट्स हो गया बच्चों, और इसमें हम लोग विटामिन डी के बारे में लिखते हैं बच्चों, विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी में लिखेंगे इसको, इसका कॉमन नेम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और इसका सोर्स हो जाएगा बच्चों फिश आयल यानी जो मछली का तेल होता है फिश आयल, और लीवर एग योल्क,
इसका भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ट्वेल्थ में शायद है। और डिफिशेंसी में हम लोग लिख लेंगे, डिफिशेंसीज में रिकेट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया इन, ये थोड़ा ओस ओस टीओ मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। और बच्चों सिम्टम्स में हम लोग लिखेंगे, हम लोग सिम्टम्स में लिख लेंगे वीक एंड सॉफ्ट बोन्स बच्चों, डिस्टॉर्टेड छोटा पन, डिस्टॉर्टेड स्केलेटन एंड पुअर मस्कुलर, पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट। और आगे इसमें फंक्शन में हम अब लिख लेंगे बच्चों, फंक्शन में लिख लेंगे फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट्स कैल्शियम एंड पोटेशियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन बच्चों। और हम लोग आगे लिखेंगे बच्चों, आगे हम लोग अब हम लोग बच्चों विटामिन ई के बारे में लिखेंगे। तो विटामिन यहाँ पे ई लिख लेना बच्चों, विटामिन ई यहाँ पे। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों, इसका कॉमन नेम लिख लेंगे टोकोफेरॉल बच्चों, टोकोफेरॉल, या इसको हम लोग एंटीस्टेरिलिटी भी बोलते हैं, एंटीस्टेरिलिटी या ब्यूटी विटामिन इसको भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन बच्चों। और सोर्स इसका हो जाएगा लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है ज़्यादातर, लीफी वेजिटेबल्स। और ये थोड़ा पता नहीं क्यों लीफी वेजिटेबल्स बच्चों। और आगे लिख लेंगे जो कि पल्सेस या सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आयल्स बच्चों। और डिफिशेंसी डिजीज में हम लोग नोट करेंगे, डिफिशेंसी और डिजीजेज में मैक्रोसाइटिक विटामिन ई में लिख लेंगे बच्चों, मैक्रोसाइटिक अनामिया या मस्कुलर, मैक्रोसाइटिक अनामिया मस्कुलर, आगे लिख लेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और आगे सिम्टम्स में हम लोग नोट करेंगे बच्चों, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है, ख़त्म कर देता है बच्चों।
और फंक्शन में हम लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पे, फंक्शन में हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चों, फंक्शन में हम लोग विटामिन ई के बारे में लिख रहे हैं बच्चों। तो एंटी टॉक्सीडेंट लिख लेंगे बच्चों, एंड प्लेज एन जो कि इम्पोर्टेंट रोल इन, ये ब्लर हो जा रहा बच्चों, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लोग को समझ में या सुन ही रहेंगे साथ साथ में, एंटीटॉक्सीडेंट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एंटीटॉक्सीडेंट एंड प्लेज एंटीटॉक्सीडेंट, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी आ गई है बच्चों, एंटीटॉक्सीडेंट या एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ETS, और आगे लिख लेंगे बच्चों सेलेनियम मेटाबॉलिज्म फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन है बच्चों, मेटाबॉलिज्म फॉर्मेशन, ये आर है फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म फॉर्मेशन ऑफ RNA, DNA एंड RBC। आप लोग को अभी लर्न करना धीरे धीरे, हम लोग सबका जो फुल फॉर्म होता है वो आगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा आपको इसका पता चल, जैसे RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड और RBC का रेड ब्लड सेल, जैसे जैसे आगे चैप्टर सब आते जाएंगे आपका जो होता है वो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा बच्चों। तो अभी चिंता लेने की कोई बात नहीं है, इसको आप लोग लर्न करते रहे बच्चों, और रोज कम से कम अभी से ही जैसे रोज आप लोग आधा घंटा इंक्रीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर बता दूं बच्चों, कल हमने 5 घंटा पढ़ा तो आपको आज आधा घंटा या 10 मिनट जितना भी इंक्रीज करना है या 1 ही मिनट लेकिन ज़रूर करें बच्चों, ये ऐसी आदत डालें। और आगे हम लोग विटामिन ई के बारे में पढ़ लिया बच्चों, और विटामिन ए के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, विटामिन ए के बारे में अब लिखेंगे बच्चों, विटामिन ए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए को हम लोग जो कॉमन नेम बोलते हैं बच्चों रेटिनॉल बोलते हैं, और इसका सोर्स हो जाएगा येल्लो एंड ग्रीन वेजिटेबल बच्चों, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, सोर्स हो जाएगा मिल्क MILK मिल्क एंड बटर, और इसमें डिफिशेंसी में लिख लेंगे बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए के कमी से, नाइट ब्लाइंडनेस, ये थोड़ा 5th या 6th में था बच्चों, आप लोग वहाँ पे आप अगर याद करें तो आपको याद आएगा बच्चों विटामिन ए के बारे में, हम लोग 5th क्लास में भी है थोड़ा साइंस में, और 6th में तो ज़रूरी होगा बच्चों। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, और इसको आगे लिखेंगे नाइकेटलोपिया, इसको नाइकेटलोपिया भी बोलते हैं बच्चों, और इसमें इससे डर्मेटिस भी होता है, और सिम्टम्स में हम लोग लिख लेंगे विटामिन ए के कर केरा बच्चों केराटिनेशन, ये थोड़ा मार कर लग रहा है, के
रा केरा टीनिएशन ऑफ स्किन रेस्पिरेटरी भी आ जाएगा बच्चों सिम्टम्स में एंड एंड यूरिनो यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। और इसमें विटामिन ए के बारे में लिख लेंगे प्रिवेंट फंक्शन में प्रिवेंट प्रिवेंट केराटिनाइजेशन केराटिनाइजेशन प्रिवेंट केराटिनाइजेशन ऑफ इपिथेलिया बच्चों इपिथेलिया। और आगे हम लोग लिख लेंगे बच्चों विटामिन के बारे में, ये लास्ट है बच्चों। इसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है बच्चों, तो खुशी मनाइए बच्चों और साथ में दुखी भी मना सकते हैं अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे हैं तो। अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी समय है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा बच्चों। और इस एज ग्रुप में इधर उधर तो बहुत ज़्यादा मन जाता है बच्चों, तो आपको इस एज ग्रुप में संभलना है, यहीं से आपका संभलने और बिगड़ने का दिन स्टार्ट होता है बच्चों। मेना डियोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा विटामिन के का। और फाइली फिलियो क्यूनियोन बच्चों फिली ये होगा डबल एल फाइलियो फाइलियो क्यूनिन हो जाएगा बच्चों। और इसमें सोर्स में आ जाएगा बच्चों विटामिन के में, इसमें लीफी वेजी टेबल्स बच्चों। और इसमें सोयाबीन आयल भी लिख सकते हैं एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आ जाएगा बच्चों इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सोर्स। और डिजाइन एंड सिम्टम्स में आ जाएगा बच्चों सेवर ब्लीडिंग। और इसमें सिम्टम्स में हम लोग लिख लेंगे स्लो और डिलेट ब्लड क्लोटिंग डिलेट क्लोटिंग। और इसमें आ जाएगा फंक्शन में हम लोग लिख लेंगे बच्चों सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर फॉर नॉर्मल ब्लड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग बच्चों CLO ब्लड क्लोटिंग। और पर्जेंटिन और ये पर्जेंटिन होता है बच्चों इसका फंक्शन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है बच्चों। तो ये बैक्टीरिया बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अगले चैप्टर हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो चुका है बच्चों, और अगला चैप्टर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में बच्चों। तो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया बच्चों तो अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। और लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चों स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए बच्चों। और देखना चाहे तो बच्चों एक एक दिन में एक लेक्चर जो बड़ा वाला है वो देखिए और छोटा है तो दो देखिए। तो यहाँ पे हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ख़त्म कर चुके हैं बच्चों, और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों बॉडी अगला लेक्चर बच्चों बॉडी फ्लूइड्स एंड
सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही। इस चैनल में आपका बहुत स्वागत है बच्चों, माइनर स्टडी में आपका बहुत स्वागत है। और अगले लेक्चर में हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे बच्चों। इसी तरह से प्यार देते रहिए बच्चों, और हम भी और आप भी आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ेंगे ही बच्चों। तो कीप लविंग एंड कीप सपोर्ट बच्चों। अगले लेक्चर में मिलते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर लेकर। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से।